हेलो दोस्तों, आज हम एक चाइनीज हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट बाकी हॉरर फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इस मूवी का नाम गेट इन द डार्क है जिसको डायरेक्ट किया है चेंग सी यू ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 6.5 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पत्रकार को देखते हैं जिसका नाम लू साउ सेंग होता है, जो कि एक बिगुई नामक जगह पे आया होता है। वो यहाँ पर एक हॉन्टेड घर के बारे में रिसर्च करने आया होता है। उसे यहाँ पर एक आदमी जाओ कान मिलता है जिससे वो किसी जॉय मेंशन के बारे में पूछने लगता है। तो जाओ उसे उस मेंशन में जाने से मना करने लगता है क्योंकि वो मेंशन एक हॉन्टेड मेंशन है। जिसके बाद जाओ उसे 20 साल पहले वाली घटना के बारे में बताता है कि उस घर के अंदर मिस्टर चाओ की मौत हो गई थी, वो भी अचानक आग लगने के कारण। और आग कैसे लगी किसी को कुछ भी पता नहीं है, और उन्हें एक पेपर डॉल की घोस्ट ने मारा था। जिसके बाद से उस घर में जो भी लोग रुकने के लिए जाते हैं वो लोग सुबह मरे हुए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पोजेस डॉल रहती है जो सभी को मार देती है। और यहाँ पर जो लोग भी मरते हैं वो पेपर डॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पेपर डॉल में बदल चुके होते हैं जो लोगों को हंट करके सेम अपने जैसा बना लेते हैं। अब यहाँ पर जाओ उसे उस घर में जाने से मना करने लगता है, लेकिन यहाँ पर लू उसी घर के बारे में रिसर्च करने के लिए आया होता है तो वह उसकी बात को नहीं मानता है और उस जॉय मेंशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर आधी रात को लू को वहाँ पर बहुत सारी पेपर डॉल हंट करने लगती है और उसे पकड़ कर एक जगह पे बांध देती है, जहाँ पर उसे एक लड़की की फोटो दिखाई जाती है और सभी पेपर डॉल मिलकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। फिर अगली सुबह लू की जब आँख खुलती है तो वह जाओ के घर पर होता है, जो उसे बताता है कि वह रात को जॉय मेंशन में बेहोश हो गया था। तो उसे वहां से उठाकर जाओ अपने घर पर लेकर आया, और यहां पर लू उसे एक 20 साल पहले वाली न्यूज़पेपर दिखाकर एक आदमी के बारे में पूछता है। तो जाओ उसे बताता है कि यह आदमी लू सांग है जो पहले इसी शहर में रहता था, और वह एक पेपर डॉल शॉप चलाया करता था जिसने कि जॉय मेंशन के लिए एक पेपर डॉल बनाई थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी जिसके बाद चीजें बिगड़ने लगी और वह इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद लू उस पेपर शॉप पर जाता है जहाँ पर अब उस पेपर शॉप को लू सांग की बेटी ना सांग चलाती है, और यहाँ पर लू सांग उसे बताता है कि वह यहाँ पर 20 साल पहले वाली घटना के बारे में पता लगाने के लिए आया है कि आखिर 20 साल पहले उस मेंशन के अंदर हुआ क्या था। तो ना सांग उसे सब कुछ बताने से मना करने लगती है। तो लू कहता है कि पेपरमैन फिर से वापस आ गया है, जिसे सुनकर ना सांग काफी डर जाती है और उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। और वो ना सांग लू सांग के बारे में बताती है कि पहले लू सांग इसी शहर में रहा करते थे और वो पेपर डॉल शॉप को चलाया करते थे। एक दिन उनके पास जॉय मेंशन का बटलर जो आया, जो उन्हें एक बच्चे की फोटो दिखाकर पेपर डॉल बनवाने के लिए कहता है, जो कि तस्वीर वाली लड़की जिंदा थी और नियम के अनुसार किसी जिंदा पर्सन की डॉल नहीं बनाई जाती है और ना ही किसी पेपर डॉल की आंखें। और यहाँ पर बटलर उसे पैसों का लालच देता है और मना करने पे उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है, जिसके वजह से लू सांग काफी डर जाता है और वो पेपर डॉल बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उस पेपर डॉल को बना भी देता है। और उसी के बाद से ही चीजें गलत होने लगती है। उसे यान की तस्वीर और उसकी डॉल उसे ही हंट करने लगती है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो इसे अपना भ्रम समझ कर सब कुछ भुलाने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन वह उस पेपर डॉल को जॉय मेंशन में डिलीवर करने के लिए जाता है, वो भी उसे कवर करके, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। तो लू सांग देखता है कि यहाँ पर किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है और यहाँ पर बटलर उस डॉल को लेकर उसे वापस भेज देता है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है उसे देखने के लिए लू सांग यहीं पर छिप जाता है। तो वह रात को देखता है कि यहाँ पर मास्टर हान कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और वह एक रिचुअल के अंदर जिंदा यान की बलि देने वाला है, जिसके बाद मास्टर हान वहाँ पर आग लगा देता है जिसमें कि यान जलकर मारी जाती है। यह सब देखकर लू सांग बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद से ही उसे यान के विजन आने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधे बटलर के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बटलर उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है क्योंकि वह कहीं न कहीं इन सब में मिला हुआ होता है। और यान की बलि कोई और नहीं बल्कि उसके पिता चाओ ही दिलवा रहे थे। और यहाँ पर मास्टर हान फिर से उस पेपर डॉल पर कोई रिचुअल करता है
वो उस पर कुछ नेल को स्टैप करने लगता है, जिसके बाद वह उस पेपर डॉल को एक कॉफिन में डाल देता है, जिसके बाद यान की अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी को रास्ते में ले जाया जाता है, यानी कि उसका फ्यूनरल निकाला जाता है। लेकिन रास्ते में एक पागल मैन आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और यान की कॉफिन के अंदर देखने लगता है, जिसके वजह से उस पागल मैन को सोल्जर्स काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और वो पागल मैन अपने साथ व्हील चेयर पर एक पेपर डॉल को लाया होता है और उस पेपर डॉल को मास्टर हान पीटने लगते हैं। और तभी लू सांग उनके बीच में आकर कहता है कि उन्हें इस पागल पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उनके साथ ही लू सांग भी जाने लगता है। तो लू सांग को अब यहाँ पर भी यान की आत्मा दिखाई देने लगती है, जिसके वजह से वह डर कर कब्रिस्तान की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी पेपर डॉल दिखती हैं जो उसे हंट करने लगती है। और यहाँ पर यान की पेपर डॉल आकर उससे अपने आँख बनवाने के लिए कहती है, जिसके वजह से वह डर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके बगल में यान की पेपर डॉल होती है, जिसकी आंखें बनाई गई होती है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होकर वहां से भाग निकलता है और उस सीधे जॉय मेंशन में जाता है, जहां पर किसी की मौत हो चुकी होती है और मास्टर हान भी मर चुके होते हैं, वो भी फांसी लगाकर। यह सब देखकर लू सांग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी बेटी नान सांग को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में यह कहानी सुनकर लू को विश्वास नहीं होता है और उसे यहाँ पर एक पेंटिंग दिखती है, जिसके अंदर एक लेडी बनी हुई होती है और उस पेंटिंग पर दो नाम लिखे हुए होते हैं, जिसके बारे में वह नान सांग से पूछने लगता है। तो नान सांग उसे बताती है कि वह जो लेडी है वह लू सांग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो उनके दोस्त सैंग का है, यानी कि वहाँ पर यान की जनाजे को जो पागल रोकने की कोशिश कर रहा था वह इनका दोस्त सैंग था। जिसके बाद हमें सैंग की कहानी सुनने को मिलती है और कहानी फिर से 20 साल पहले जाती है, जहाँ पर सैंग पहले आर्मी में था। जब वह 10 साल बाद वापस आया तो उसे जंग के दौरान पैर में काफी गहरी चोट लगी होती है और वो यहाँ पर किसी से शादी कर रहा होता है, जिसे देखने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दुल्हन का घूंघट हटाया जाता है तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक पेपर डॉल होती है, जिसे कि सैंग जूलियन कहकर बुलाता है। और यह सब देखकर लोग उसे पागल समझने लगते हैं, जिसके बाद सैंग अपनी पत्नी यानी उस पेपर डॉल के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगता है। और इस बात पे टाउन के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। और यहाँ पर लू सांग उसके बचपन का दोस्त होता है, जिसने कि उसकी माँ से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। और वो सैंग को समझाने की कोशिश भी करता है कि जूलियन कुछ सालों पहले ही मर चुकी है और वो जिसके साथ शादी किया है वो कोई और नहीं बल्कि एक पेपर डॉल ही है। लेकिन सैंग उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है और वो यहाँ पर जूलियन यानी उस पेपर डॉल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यह सब देखकर लू सांग उसे बताता है कि वह चाहे तो जूलियन की आत्मा को उस पेपर डॉल के अंदर डाल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक रिचुअल करना होगा। फिर लू सांग उसे एक एशियंट की किताब देता है, जिसके अंदर रिचुअल की विधि होती है। और लू सांग कहता है कि उसे यह रिचुअल 3 दिन तक कंटिन्यू करना होगा, जिसमें अगर जूलियन की आत्मा आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो उसे जूलियन को हमेशा के लिए भूलना होगा, जिस पर सैंक मान जाता है। जिसके बाद से ही सैंक उस रिचुअल को करने लगता है और जूलियन की आत्मा को बुलाने लगता है। और सच में ही जूलियन की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है और वह उस पेपर डॉल को अपनी बॉडी बना लेती है, जिसे पाकर सैंक बहुत खुश हो जाता है और जूलियन भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जूलियन कुछ भी बोल नहीं पाती है और ना ही अपने हाथ पैर को मूव कर पाती है, सिर्फ अपने चेहरे के इंप्रेशन से ही सब कुछ जाहिर करती है। फिर हम उनकी कहानी को देखते हैं, जिसमें सैंग एक टीचर होता है और उसकी एक स्टूडेंट जूलियन भी होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होता है और इनकी प्यार की दास्तान आगे बढ़ पाती इससे पहले ही चाओ की नज़र जूलियन पर पड़ जाती है, जो उसे किडनैप करवा के उससे शादी कर लेता है और जबरदस्ती सैंग को मरने के लिए आर्मी में भेज देता है। जिसके 10 साल बाद सैंग वापस आया और देखता है कि जूलियन की मृत्यु हो चुकी है और जूलियन ने मरने से पहले ही 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें उसकी बेटी यूयान होती है और एक बेटा डोंगर भी होता है। खैर, एक दिन सैंग जूलियन के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहां पर लू सांग पहुंच जाता है तो उसे यहां पर जूलियन सिर्फ एक पेपर डॉल ही नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर उसे फेंकने के लिए जाता है तो उसे ऐसा करने से सैंक रोक लेता है और कहता है कि ये जूलियन है मेरे भाई,
तो लू सांग कहता है कि उसने जो एशियंट की किताब दी थी और उसने जो रिचुअल वाली बात कही थी वो दोनों झूठ थी, क्योंकि उस रिचुअल को करने के बाद सैंग को पता चल जाता है कि जूलियन सच में मर चुकी है, जिसकी वजह से वो उसे भूल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया, सैंग को उस पेपर डॉल के अंदर जूलियन दिखने लगती है, जिससे साफ मतलब होता है कि वो जूलियन के लिए कितना पागल हो गया है। और वो यहाँ पर लू सांग से झगड़ा तक कर लेता है, जिसके बाद लू सांग यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद सैंग जूलियन को लेकर बाहर निकल पड़ता है, जहाँ पर वो दोनों यान के जनाजे को देखते हैं, जिसे देखकर जूलियन काफी दुखी होने लगती है, क्योंकि यान उसकी बेटी ही थी। और यहाँ पर उसी के लिए ही सैंग उस कॉफिन को देखने के लिए गया था, और इसी के चलते ही मास्टर ने उन दोनों को मारा था, जिसकी वजह से उस डॉल के अंदर की जूलियन मरने लगती है। और मरने से पहले सैंग से बात करती है और कहती है कि वह दूसरी दुनिया में उसके साथ ही रहना चाहती है। मतलब यहाँ पर साफ होता है कि उस डॉल के अंदर सच में उसकी आत्मा होती है। जिसके बाद सैंग अपने प्यार का बदला लेने के लिए मास्टर हान को जान से मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लू कहता है कि नान सांग ने जो भी कहानी बताई है वो बिल्कुल सच है, और दोनों कहानी के अंदर यान के जनाजे का जिक्र किया गया है। और दूसरी कहानी बताते बताते नान सांग रोने लगती है, ऐसा क्यों? जिस पर नानसांग कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद लू कहता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वह खुद यान है, और उस दिन मास्टर हान ने उसकी जगह पर किसको मारा था, आखिर में मास्टर हान ने उसकी जगह पर किसका बलिदान किया था, और उस पेंटिंग के अंदर जो औरत है वो कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही है, और सेम उसी की तरह ही नानसांग दिख रही है, क्योंकि वह उसकी बेटी यान है। और यहाँ पर नानसांग के बचपन में जले हुए हाथ पर निशान भी होता है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि नानसांग कोई और नहीं बल्कि यान ही है। जिसके बाद वह असली कहानी को रिवील करती है, और उसने अब तक दो कहानी सुनाई है जिसमें कि उसने सच को छिपाया है, तो वह इस बार सच बताएगी या फिर नहीं, खैर हमें तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। तो नानसांग आगे बताती है कि जूलियन से मास्टर चाओ ने जबरदस्ती शादी कर ली थी, जिसने की दो बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें उसकी एक बेटी यू यान थी और दूसरा बेटा डोंगर था। लेकिन यहाँ पर दूसरी डिलीवरी के बाद जूलियन काफी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, और वह आखिरी में आकर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन मास्टर चाओ को सिर्फ यहाँ पर अपने बेटे डोंगर से ही प्यार होता है, और बेटी यू यान से कुछ भी मतलब नहीं होता है। लेकिन डोंगर की तबीयत शुरू से ही खराब होती है, जिस पर किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा था, और वो बार बार बेहोश हो जाया करता था। लेकिन दोनों भाई बहन के अंदर काफी तगड़ा वाला प्यार था, और चाओ अपने बेटे डोंगर को बचाना चाहता था, तो उसने एक दिन मास्टर हान को अपने पास बुलाया, जो कि ब्लैक मैजिक करके लोगों को बचाया करता था, जो उसे बताता है कि उसकी बेटी यू या एक पनौती है, उसके अंदर एक इविल एंटिटी का साया है, जिसने कि पहले अपनी माँ को ही खत्म किया, अब वो डोंगर के पीछे पड़ी है, इसलिए उन्हें यहाँ पर एक रिचुअल करना होगा, जिसके अंदर वो लोग यान की बलि देंगे, तब जाके डोंगर ठीक हो जाएगा। और इन सब के लिए चाओ मान भी जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बेटे डोंगर के ठीक होने से मतलब होता है। फिर हमें यहाँ पर वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि मास्टर हान रिचुअल के तहत यान को बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर यान मरती नहीं है, क्योंकि उसे सैंग ने बचा लिया था और उसे बचाकर अपने घर ले आया, जहाँ पर लू सांग भी होता है। फिर यान को होश आता है तो वो सैंग को पहचान लेती है, क्योंकि उसकी माँ जूलियन ने मरने से पहले सैंग की उसे फोटो दिखाई थी, तो सैंग यहाँ पर उसे वादा करता है कि वह उसे बचा कर रहेगा। फिर दोनों यहाँ पर मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें डोंगर को भी वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि वहाँ पर रहने पर डोंगर के लिए भी खतरा हो सकता है। इसके बाद चुपके से यान बदला लेने के लिए मेंशन वापस चली जाती है, और यहाँ पर मास्टर हान और बटलर की बात को सुन लेती है, जो दोनों यहाँ पर चाओ को ठगने के लिए आए होते हैं, और वो शुरू से ही उसे ठग रहे होते हैं। और यहाँ पर वो दोनों यान को देख लेते हैं, जिसे वो दोनों पकड़ लेते हैं और उसके बारे में मास्टर चाओ को भी बताते हैं, जिसके बाद उसे बेहोश करके एक कॉफिन के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि उसके साथ असली वाला रिचुअल करके डोंगर को ठीक किया जा सके। इधर लू सांग और सैंग भी प्लान बनाते हैं, जहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोनों चुपके से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म किए जाने वाला था, और दोनों यहाँ पर यान को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो दोनों उल्टा ही पकड़े जाते हैं और उन्हें बांध कर रख दिया जाता है। फिर वो दोनों मास्टर चाओ को बहुत समझाने की कोशिश करने लगते हैं,
लेकिन मास्टर चाओ उनकी एक भी बात को नहीं सुनता है और वो दोनों कैसे भी करके अपने को फ्री कर लेते हैं और वो दोनों जल्दी से जाकर रिचुअल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें कि मास्टर हान ने आधा रिचुअल कर चुका होता है और आधा रिचुअल मास्टर चाओ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यान उसे स्टैप करके खुद को बचा लेती है, जिसके बाद सैंग कहता है कि अगर वो लोग यहाँ से बच्चे को ले गए तो चीजें ठीक नहीं होगी और सभी लोगों को सच के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो खुद को ही उनके खून के इल्जाम में सक्रिफाइस कर देता है और लुसांग बच्चों को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। और उसने ही यान का नाम चेंज करके नान सांग रख दिया था और वो उसे अपनी बेटी का दर्जा देकर उसे बचाता रहा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लू कहता है कहानी तो सही है लेकिन केस फाइल के अकॉर्डिंग एक चीज उसे और भी लग रही है, जिसमें कि मास्टर चाओ को पीछे से स्टैप किया गया था और यहाँ पर यान तो बदी हुई थी तो उसने स्टैप कैसे किया और वो असली किलर को क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो कहती है कि यही सच्चाई है और वो लू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो यहाँ से आगे की कहानी लू उसे बताता है कि जब मास्टर चाओ यान को मारने की कोशिश कर रहे थे तब डोंगर होश में आ गया था और उसे अपने पिता के बुरे काम के बारे में मालूम पड़ गया था तो उसने ही पीछे से उन्हें स्टैप करके मार गिराया था। और उस दिन लू सांग ने ही दोनों बच्चों के दिमाग के अंदर पेपर डॉल वाली बात डाल दी थी और उसने ही पेपर मैन की कर्स वाली बात को शुरू किया था, जिसकी वजह से असलियत कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं। जिसके बाद लू सांग यान को लेकर अपने साथ चला गया और डोंगर को ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ गया। जब डोंगर को होश आता है तो हॉस्पिटल के अंदर डिटेक्टिव जाओ कान उसके साथ होते हैं, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो सच को जान चुके थे और वो यहाँ पर उसे सब कुछ नाइटमेयर बताकर दिलासा देते हैं और उसे भूलने के लिए कहते हैं और वो टाउन के अंदर पेपर मैन वाली अफवाह को फैला देते हैं। इसके वजह से वो सच को छिपा कर रख देते हैं क्योंकि उन्हें लू सांग का लेटर मिल गया था, जिसके वजह से साबित हो गया कि वहाँ पर कोई किलर था ही नहीं और ये सब एक मिस्ट्री डॉल करके केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खैर ये सब बताकर लू वहाँ से वापस चला जाता है, जिसके बाद पुरानी बातों को याद करके नान सांग रो रही थी। तभी उसकी नजर लू के राइटिंग पे पड़ती है तो वो पहचान जाती है कि लू कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डोंगर ही है, क्योंकि डोंगर बचपन से ही उल्टा हाथ से लिखता था और उसने पहला शब्द जॉय लिखा था, जिसे कि लू जाते जाते यहाँ पर लिख कर गया था और वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन वो नान सांग को पहचानता था इसलिए वो यहाँ पर सब कुछ याद करने के लिए आया होता है। और यह सब जानकर नान सांग यानी यू यान बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे लू यानी उसका भाई डोंगर मिल जाता है और दोनों भाई बहन फिर से एक साथ मिल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।